व्हाट्सएप 12th तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 चेंज इन पीएसआर में पार्ट 2 गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल क्या है ये हम पिछले चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हैं। अभी गुडविल एडजस्टमेंट क्या है इसको सीखते हैं। हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब रेशियो में चेंज आता है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो किसी पार्टनर को फायदा और किसी को नुकसान होता है। पढ़ाया था ना, जैसा एबीसी मान लो 3:2:1 में थे, अब किसी वजह से उनकी न्यू रेशियो हो गई 1:1:1, तो बेटा ए को तो घाटा होगा और बी को फायदा होगा। याद हमने सीखा था सेक्रीफाइसिंग शेयर और क्या बोलते हैं वो निकालना, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। तो ए को तो हो गया घाटा और बी को हो गया, सी को हो गया फायदा गेन, राइट। अब एक बात प्रैक्टिकली बताना, आप मान लो सी की जगह पर हो आप तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे, बट अगर आप ए की जगह पर हो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई मैं घाटा खाने को तैयार हूं? सोचो नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम गुडविल एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल एडजस्टमेंट क्या है, बेसिकली जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। क्या करेगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। देखो समझाता हूँ कैसे, मैं भी आपको खुद बताता हूँ कि क्या आप इस ऑफर के लिए तैयार हो गए। मैंने भी आपको बोला आप ये ऑफर है, आप लोग ए है, क्या आप लोग रेडी होंगे? खुद नहीं होंगे, राइट। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा आपका शेयर आपको मिल जाएगा तो क्या तैयार होंगे? देखो कैसे, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट है 6 लाख का, कितने का 6 लाख का, तो इस अकॉर्डिंग ए बी सी को कितना कितना मिलना चाहिए प्रैक्टिकली सोचना, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, राइट। ओल्ड के अकॉर्डिंग, और न्यू के अकॉर्डिंग कितना कितना मिलेगा, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। खुद देखो मिलना चाहिए था, एक को 3 मिल रहा है 2, 1 लाख का एक को क्या हो रहा है घाटा, 1 लाख का एक हो गया घाटा और 1 लाख का सी को हो गया फायदा। एक्सेप्ट करेगा ए? नहीं। अब मान लो आप मेरे पास आए, मैंने बोला भाई ये काम करते हैं, मैंने कहा टेंशन ना लो, लड़ाई मत करो, एक काम करो सी जो तेरे को 1 लाख का फायदा हो रहा है ना वो तू किसको दे दे, ए को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा पहले तो कि ऐसा कर क्यों रहे सर, सी को फिर क्या फायदा होगा? मेरे को एक बात सुन बेटा, 1 साल के लिए तो देना है, अगले साल जो प्रॉफिट कमाएगा वो 1 लाख रुपए वो तब सी का रहेगा ना, तो एक ही बार तो एडजस्टमेंट करनी है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है बेटा गुडविल एडजस्टमेंट। कौन किसको देता है बेटा, गेनिंग वाला किसको देता है, सैक्रिफाइसिंग को, राइट। ये आपका एंट्री थी एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जनरल एंट्री है। आइए जनरल एंट्री लिखते हैं गुडविल एडजस्टमेंट की। अभी इसमें जनरल एंट्री सब स्टार्ट हो गई है, एंट्री है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल / करेंट। बेटा करेंट कब यूज करते हैं, जब कैपिटल फिक्स हो, जब कैपिटल हो फिक्स। गेनिंग पार्टनर्स / गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल / करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल / करेंट। राइट इसको वैसे याद करने की टेक्निक है बेटा, शॉर्ट में इसे बोलते हैं G2S। क्या बोलते हैं? G2S, यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आगे चल के हर चैप्टर में यूज आएगा G2S। अब अमाउंट निकालते कैसे वो बता दूं, गुडविल को, फर्म की गुडविल को, गुडविल ऑफ फर्म को मल्टीप्लाई कर दो किससे, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर जो आपका मन करे। बोलो पॉइंट क्लियर, यस और नो? ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी क्या कर रहे हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2024। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, 1st April से वो प्रॉफिट क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे।
गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000. गुडविल कितने की वैल्यू करेंगे? 50,000. गुडविल होगी सर 50,000 की, राइट. हम आपको पहले गुडविल दे रखी है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है, यानी किसकी पास करनी है, किसकी पास करनी है? बोलो, गुडविल एडजस्टमेंट की. क्लियर? तो सबसे पहले इसमें काम किया मेरा निकालना कि गेन किसको हुआ, सेक्रीफाइस किसको हुआ. देखिए, ए और बी की ओल्ड रेशियो थी 3:2 और न्यू रेशियो हो गई 1:1. तो निकालो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला, याद है सेक्रीफाइसिंग शेयर. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. एक और है बेटा, ए का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू 1/2. कर दो 6 - 5 = 1/10. बेटा ए को घाटा है तो ऑटोमेटिकली बी को फायदा आएगा, निकाल के देख लेना चाहे तो. फायदा किसको हुआ? बी को. तो कौन किसको देगा पैसे? बी देगा ए को, बी देगा ए को. तो एंट्री मेरी बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट. अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान से देखना. 50,000 का 1/10 बेटा अमाउंट आएगा 5,000. ये पॉइंट था. एक बार ये क्वेश्चन खुद ब खुद ट्राई करिए राइट नाउ. आइए बेटा अब अपने आंसर चेक करिए, क्या कहता है क्वेश्चन. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. एक्स वाई जेड पार्टनर्स है 5:3:2 में. फ्रॉम 1st April दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. 1st April से वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रिसीडिंग 5 years. मेन पॉइंट यहां पर है, गुडविल वैल्यू करनी है बेटा 2 साल 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज. तो गुडविल हमने निकालनी सीखी थी चैप्टर नंबर 2 में. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. कितना हो जाएगा? 70 + 75 + 55 + 35 - 10,000 का लॉस है तो माइनस हो जाएगा अपॉन में 5. हाँ जी, तो कितना हो जाएगा? 70,000 + 75,000 + 55,000 + 35,000 - 10,000 225 अपॉन 5. So which is 45,000. तो गुडविल कितने की आ गई? 45 × 2 = 90,000, राइट. अब ओल्ड रेशियो कितनी थी? 5:3:2. न्यू रेशियो इक्वली. ये तो गया पहला पॉइंट. ओल्ड थी एक्स वाई जेड 5:3:2. न्यू थी एक्स वाई जेड 1:1:1. अब निकालो सबसे पहले क्या, सैक्रिफाइसिंग शेयर. सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है सबको याद ही है, ओल्ड माइनस न्यू. एक्स का ओल्ड कितना है 5/10, न्यू कितना है एक्स का 1/3. सॉल्व करना जरा इसे, 15 - 10 5/30. एक्स को हुआ सेक्रीफाइस, वाई का निकालो 3/10 - 1/3 तो -1/30, यानी इसको हो गया गेन. जेड का निकालो, डायरेक्ट बता रहा हूँ -4/30 आएगा. वैसे अगर मैं आपसे पूछता यहाँ गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप क्या बोलते? गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो में क्यों बोला बेटा आपने? क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं. ठीक है, एनीवेज अब इसके कोई काम नहीं है हमारे को.
अब जर्नल एंट्री, अब मैं आपको बता रहा हूँ सबके एक एक नंबर याद आता, नंबर कट जाएंगे। बच्चा बोला ऐसा क्यों? मैं कहा बेटा हम सब कुछ करते हैं, हम सिर्फ डेट डालना भूलते हैं। चेक करके देख लो, पिछले क्वेश्चन में डेट थी, मैंने नहीं डाली थी जान पूछ के। देखो डेट थी तो सही, ये रही 1st अप्रैल। आप सब कुछ कर लोगे सिर्फ डेट ही भूल जाते हो। तो आइए जर्नल एंट्री डाले, किसको गेन हुआ? वाई और जेड को। घाटा किसको हुआ है? सेक्रीफाइस एक्स को। तो कौन किसको देने वाला है? Y और Z देंगे X को। तो Y is capital account debit, Z is capital account debit to X capital account। ठीक है, यही एंट्री डाली सबने? सही, यही डाली। वेट, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। बेटा अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये एंट्री, बट ये एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इसको समझते हैं। मैंने क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करी है, इफ कैपिटल्स आर फिक्स। देखिए कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है इसका मतलब करेंट अकाउंट किसका यूज करना है। सो आपको बेटा आपकी मिस्टेक मिल गई। क्या मिस्टेक थी? हाँ, अगर आपने बुक से पढ़ा है तो बुक में ये वर्ड नहीं है तो एंट्री सही होती, अगर आप क्वेश्चन बुक से पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन कौन सा है? टीएस का 7 ही है। तो एनीवे एंट्री कर दी, वाई इज करेंट अकाउंट डेबिट, जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा सर? 90,000 का कितना, यहां पे निकाल देते हैं। 90,000 का कितना आ जाएगा? एक्स का तो आ जाएगा 5/30, दैट इज 15,000। और y का आएगा 90,000 इंटू 1/30, 3,000 एंड 12,000। कैसे निकाला? 90,000 इंटू 4/30। बोली पॉइंट क्लियर? अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक एंट्री और बतानी है। जनरल एंट्री है ये भी। देखिए बेटा कई बार हमारी बुक्स में ना गुडविल एग्जिस्ट करती है, यानी हमने हो सकता है पहले किसी का बिजनेस खरीदा हो, पुराना ब्रांड खरीदा हो किसी का, तो हमारे पास उसकी क्या चल रही होगी? उसकी गुडविल चल रही होगी, राइट? उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। एक पॉइंट बता देता हूं, आगे चल के आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। ये एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ पे होती है बेटा? ये होती है बैलेंस शीट में। ये आपको हमेशा कहाँ पे मिलेगी? बैलेंस शीट में। और गुडविल एडजस्टमेंट आगे चल के आएगा। वैसे गुडविल एडजस्टमेंट यानी एडजस्टेड गुडविल, या गुडविल एडजस्टमेंट के लिए गुडविल आपको मिलेगी नीचे एडजस्टमेंट्स में। तो ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब खत्म कर दो। क्या कर दो? खत्म। जनरल एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है बेटा पार्टनर्स कैपिटल / करेंट अकाउंट। करेंट कब यूज करना है? जब कैपिटल फिक्स हो, टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल को हमने खत्म करना है पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू, राइट? और किस रेशियो में? अब सवाल ये आता है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पीएसआर में। अब आप बोलोगे ओल्ड पीएसआर क्यों? एक बार बताओ, पुराना बिजनेस खरीदा था, पुरानी रेशियो में खरीदा था, नई रेशियो में खरीदा था? ये जो गुडविल बनाई थी पुरानी, ये पुरानी रेशियो में बनाई थी, नई रेशियो में? पुरानी। तो खत्म भी किस रेशियो में करोगे? पुरानी। ठीक है, ये आपको आगे दोबारा लिखवा भी दूंगा। चलिए, अनिल सुनील रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। They decide to share profits equally. Start करो करना, एक बार वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो। चलिए मेरी टर्न बेटा, इसका एक पार्ट करा रहा हूं, एक के अंदर बस आपको पता है अगर फिक्स है तो करंट यूज करना है वर्ड। एनी वेज क्या कहता है? अनिल सुनील रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अनिल सुनील रमेश ASR पार्टनर्स है 5:3:2 में। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2024।
ये ओल्ड पीएसआर दे रखी थी और फर्स्ट अप्रैल से उनके न्यू रेशियो के 1:1:1। ओके जी, फिर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। गुडविल कितने की है? 1,08,000। ये गुडविल कौन सी है? अब सवाल ये आता है, ये गुडविल कौन सी, एग्जिस्टिंग है या एडजस्टमेंट है? देखिए बेटा, ये गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, जब ये आ जाए ना, गुडविल इज वैल्यूड, इसका मतलब अगर गुडविल इज वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये गुडविल एडजस्टमेंट के लिए है। ध्यान रखना है, बात क्लियर है? क्योंकि अक्सर बच्चा यहां कंफ्यूज होता है। अब तो देखिए, गुडविल कितने की दे रखी है? गुडविल है 1,08,000। अच्छा जी, कैलकुलेशन हमारी बच गई। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹18,000। ये दे दी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्ट इन द बुक्स, ठीक है, एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी क्या हो गई सर, एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की? 18,000 की। सबसे पहला काम, कुछ करो ना करो, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करो, ठीक है, उसको हटाएंगे। और दूसरा क्या निकालेंगे, ओल्ड और न्यू है तो सैक्रिफाइसिंग, तो वर्किंग नोट नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लो। ए का कितना आ रहा है? 5/10 - 1/3। पिछला क्वेश्चन जैसे तो है, सेम तो पिछला क्वेश्चन है, तो ये आपका आ जाएगा 5/30, 1/30, 4/30, है ना? ये आएगा 5/30 - 1/30 यानी गेन, और आर का -4/30, इसको भी हो गया गेन। तो पहली एंट्री आएगी गुडविल राइट ऑफ करने की, पुरानी गुडविल खत्म करें, जनरल एंट्री, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, और डेट क्या है? 2024। फर्स्ट अप्रैल एंट्री क्या हो जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा सर? ओल्ड थी 18,000 को हमने बांटना है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो यानी 5:3:2 में, तो आप क्या देखिए, 9,000, 5,400, 3,600। अब नई वाली की एडजस्टमेंट कर दो, कौन गेन कर रहा है, एस और आर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितने का अमाउंट आएगा बेटा? देखिए यहां आ जाएगा 1,08,000 का, कितना बेटा, 1,08,000 का कितना, कितना गेन हुआ, 5/sacrifice, कितना हुआ, 5/30, और इसका हो जाएगा 1,08,000 का 1/30, कितना आ रहा है अमाउंट कैलकुलेट कर दो, यहाँ 18,000, यहाँ कितना आ रहा है, 3,600, यहाँ 14,400। सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क में है, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क में आ जाएगा। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे देते हैं कि जो आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकते हैं इसके ऊपर बेस। एक तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा दिए वो तो हो ही जाएंगे, इलस्ट्रेशन 5-6, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, बस इतना सा है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाय बाय।